हमने पिछले वीडियो में आपको जेजे हॉस्पिटल शूटआउट के बारे में पूरी कहानी बताई थी। इसमें हमने आपको बताया था कि कैसे छोटा शकील के प्लान के आगे छोटा राजन का कद छोटा हो गया। इस घटना के बाद राजन दाऊद के नज़र में कमजोर पड़ गया था। दाऊद के सबसे बड़े सेनापति राजन पर से उसका विश्वास डगमगा गया था। यह घटना 12 सितंबर 1992 को हुआ था और फिर कुछ महीनों बाद साल 1993 में होता है मुंबई में भयानक विस्फोट, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की तस्वीर ही बदल दी थी। उसके बाद शुरू हुआ डी कंपनी द्वारा राजन का चेज और फिर हुआ बैंकॉक में उसके ऊपर अटैक। आज के इस वीडियो में हम उसी अटैक के पीछे और आगे की कहानी पूरे विस्तार से देखने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई धमाकों के बाद मुंबई और देश के लोगों के मन में दाऊद और उसके सहयोगी छोटा राजन के लिए नफरत भर गई। इसके बाद छोटा राजन ने अखबारों को फैक्स के जरिए अपना पक्ष रखने की कोशिश की कि इन धमाकों में उसका कोई हाथ नहीं है। छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम का भी बचाव किया और वहीं पर वह फंस गया, क्योंकि राजन को पूरी बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ब्लास्ट के पहले होने वाले एक भी मीटिंग में दाऊद ने राजन को इन्वॉल्व नहीं किया था। दाऊद इब्राहिम ने गैंग में छोटा राजन और छोटा शकील से मतभेद कम करने की बहुत कोशिश की। दाऊद ने एक मीटिंग में चिल्लाकर कहा था, नाना मेरे बुरे वक्त का दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता, आपस में झगड़ा धंधे की मौत होती है। नाना मतलब छोटा राजन। दाऊद इस बात को जानता था कि आपसी रंजिश से बिजनेस को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी यह उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था और अब काफ़ी देर हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन नाराज नहीं था, लेकिन वह छोटा शकील के चाल को बखूबी समझ रहा था। फिर बाद में जब राजन को मीटिंग में नहीं बुलाया जाने लगा, तब राजन ने खुद को डी कंपनी से अलग करना शुरू कर दिया। साल 1993-94 आते आते दोनों धरे, यानी कि छोटा राजन और छोटा शकील, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। राजन ने दाऊद गैंग का काम करना बंद कर दिया था और अब वह भारत आकर सब कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी को बताना चाह रहा था, लेकिन छोटा राजन का पासपोर्ट दुबई में शेखों के पास रखवा दिया गया था। छोटा राजन के पास भारत आने का कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन यह जरूर था कि छोटा राजन को अब समझ में आ चुका था कि दुबई में जीना अब उसके लिए आसान नहीं होगा, किसी भी वक्त उस पर अटैक हो सकता है। उन्हीं दिनों दाऊद दुबई में एक बड़ी पार्टी करता है। इस पार्टी में शहर के बड़े लोगों को बुलाया गया। छोटा राजन भी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी एक फ़ोन आता है। राजन फ़ोन उठाता है तो एक अनजान आवाज़ आती है, नाना वो तुमको पार्टी में टपकाने का प्लानिंग किया है, तुम उधर मत जाना। छोटा राजन सतर्क हो जाता है। फ़ोन रखने के बाद वो इंडियन एम्बेसी जाता है। वहाँ पर वह एक ऑफिसर से बात करता है। दिल्ली फ़ोन लगाए जाते हैं और कुछ घंटों के बाद ही काठमांडू की फ्लाइट पकड़कर वह वहाँ से निकल लेता है, क्योंकि काठमांडू में दाऊद का गैंग काफ़ी एक्टिव था, इसलिए राजन वहां से मलेशिया चला जाता है। ना चाहते हुए भी दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन को खोना पड़ा। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ छोटा शकील को। जो छोटा राजन कभी दाऊद का दायां हाथ था, उस जगह अब छोटा शकील आ चुका था। छोटा राजन अब अंडरग्राउंड हो चुका था। अगले कुछ साल राजन ने कुआलालंपुर, कंबोडिया और इंडोनेशिया में छिपते हुए बिताया, लेकिन राजन को अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बैंकॉक लगा। राजन बहुत ही गुप्त तरीके से बैंकॉक में रहने लगा, लेकिन लोग तो सबके सभी जगह पर थे। काफी कोशिशों के बाद साल 2000 में छोटा राजन का पता छोटा शकील को लग चुका था। एड्रेस बताने वाला था शरद शेट्टी का मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन दोस्त विनोद और मिश्रा। इन दोनों का मुंबई और बैंकॉक में होटल का बिजनेस था। कंपनी से अलग हुए राजन को लगभग 8 साल हो चुके थे। इस दौरान वह लगातार छुपता ही रहा, लेकिन आखिरकार वह छोटा शकील के रडार पर आ चुका था। अब शकील उसको उड़ाने की तैयारी में लग गया। ऐसा कहा जाता है कि राजन को बैंकॉक में अटैक करने की तैयारी को लेकर उसने एक पूरा बंदरगाह ही वहां पर मौजूद जहाजों समेत एक हफ्ते के लिए रेंट पर ले लिया था, ताकि राजन वहां से एस्केप ना कर सके और वहीं डी कंपनी के लिए मिशन आसान हो जाए। लेकिन उस बंदरगाह की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। छोटा शकील इस बार भी खुद दुबई में बैठा रहा और अपने खास गुर्गों को बैंकॉक भेज दिया। दुबई में बैठकर वह पूरी घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहा था। फिर आता है इस प्लान को अंजाम देने का दिन, 14 सितंबर साल 2000। इस दिन राजन ने बैंकॉक में रहते हुए पिज्जा ऑर्डर किया। छोटा राजन पर नजर रख रहे लोगों ने पिज्जा के आने का इंतजार किया और उसी के साथ उस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, जिसमें राजन अपनी बीवी और रोहित वर्मा समेत कुछ और लोगों के साथ रह रहा था। पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ 4 हथियारबंद लोग उस अपार्टमेंट में घुसा और उसके ऊपर हमला कर दिया। राजन ने खतरे को भांप लिया और सब कुछ छोड़कर उस अपार्टमेंट से नीचे कूद गया। वह वहां से भागने में कामयाब हुआ। उसे चोटें भी लगी, लेकिन वहीं उसका दोस्त और सबसे वफादार सिपाही रोहित वर्मा उस हमले
में मारा गया। वहां से बच निकलने के बाद राजन ने खुद को एक अस्पताल में भर्ती करवाया, क्योंकि वह डी कंपनी के तरीके को और छोटा शकील के नियत को अच्छे से जानता था, इसलिए वह अस्पताल से भी भाग गया। फिर बाद में राजन के आदमियों ने विनोद और मिश्रा को मुंबई में ट्रैक किया और साल 2001 में दोनों को मार दिया। मिश्रा भी दाऊद का एक खबरी था जो लगातार दाऊद के संपर्क में था। इसके बाद 19 जनवरी साल 2003 में राजन के गैंग ने शरद शेट्टी को भी मार दिया। शरद शेट्टी दाऊद के लिए फाइनेंस देखता था और जितनी भी ब्लैक मनी थी उस सब को शरद शेट्टी ही ऑपरेट करता था। मुंबई में शरद शेट्टी को मारने के बाद अब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दोनों सीधे एक दूसरे के आमने सामने थे। छोटा राजन फिर अंडरग्राउंड हो गया और दाऊद इब्राहिम भी अब अपना ठिकाना दुबई से उठाकर कराची शिफ्ट कर लिया था। तो यही थी पूरी कहानी छोटा राजन पर बैंकॉक में हुए उस हमले की। आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको रोहित वर्मा समेत कुछ और दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं। इस कहानी के संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।